सुरीर कोतवाली क्षेत्र में नौहझील मार्ग पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वार के समीप दो बाइक सवारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भीषण हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि मृतक की पत्नी व बच्चे घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। सुरीर कोतवाली क्षेत्र में नौहझील मार्ग पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वार के समीप दो बाइक की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना की चपेट में आकर एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया है कि मृतक जवाहर उम्र 32 वर्ष निवासी नुनेरा थाना कामा राजस्थान अपनी ससुराल सुरीर के गाँव करहारी आया था, जहाँ से बुधवार की दोपहर अपनी पत्नी बबली उम्र 28 वर्ष लड़का आवाज तथा पुत्री चंचल के साथ बाइक से अपने गांव जा रहा था। जैसे ही सुरीर के समीप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वार के समीप पहुंचा ही था कि सुरीर की तरफ से आ रहे बाइक सवार ने टक्कर मार दी। तभी गंभीर रूप से घायलों को मौके पर पहुंची पुलिस ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने जवाहर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृत जवाहर के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन दूसरा बाइक सवार भागने में सफल रहा। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक महाराजा सिंह भाटी का कहना है कि मृतक जवाहर सिंह के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी व बच्चों को एम्बुलेंस में भेजकर भर्ती कराया है। नगला योगेंद्र जी, जो घटना हुई है ये सुरीर पे अभी अभी, क्या मामला है पूरा? ये मामला ये है जी, करारी से लड़की अपनी ससुराल जा रही थी जी, और सुरीर पे भट्टे के पास आमने सामने से मोटरसाइकिल, क्या हुआ, कौन कोई लोग घायल हुए, क्या हुआ है फिर यहाँ पे? हाँ, वो लोग घायल हुए, पुलिस आई और उनको हॉस्पिटल ले गई। बताया जा रहा है कि कोई की बता रहे हैं कि एक खत्म हो गया, बाकी लोग घायल हैं। हाँ, कितने लोग थे मोटरसाइकिल में? वो चार लोग थे, दो छोटे छोटे बच्चे भी थे उनके साथ। दूसरी जो मोटरसाइकिल मिली थी वो कहाँ की थी? जा रहा था अपना खाने पीने का आइटम। किससे हुआ एक्सीडेंट? ये तो मोटरसाइकिल से हुआ है। ये कौन लोग थे, क्या भाई थे, ये क्या थे इस मोटरसाइकिल पर, कौन कौन थे? मोटरसाइकिल पर दो बंदे, इस साइड ये अपना सिंगल था, इस साइड से दो बंदे, उनके भी चोट है क्या दूसरे वालों के? उनके भी मोटरसाइकिल टूट गई है, उनके हाथ पैर में चोट चोट गया।